अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुज पूरे परिवार के सामने अनुपमा से कहेगा कि तुमने शायद मुझे और मेरे प्यार का ग्रंटेट ले लिया। तुम्हें लगा कि 26 साल का इंतजार किया है तो ये अनुज तो कहाँ जाएगा। मुझे माफ़ करना अनु, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कापड़िया परिवार से ज़्यादा साहूस वालों की फिक्र है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि तुम्हें अपने वर्तमान पति और उसकी बेटी से ज़्यादा चिंता अपने एक्स पति और उसके बच्चों की। अपने एक्स पति के रिश्ते तुम्हें हम सभी से ज़्यादा प्यारे हैं। अनुज कहेगा ये हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वनराज ने तुमसे शादी की थी, वो तुम्हारा पहला प्यार है, 3 बच्चे हैं तुम्हारे उसके साथ। मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम इस घर के किसी मजबूरी में रह रही हो, क्योंकि तुम यहाँ तो थी, तुम्हारा मन तुम्हारा दिमाग हर वक्त साहस में रहता है। अनुज अपने मन की सारी भड़ास निकाल देगा, जिसके बाद अनुपमा अनुज के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर देगी। अनुपमा कहेगी अनुज शायद उसके साथ इस रिश्ते में घुट घुट कर जी रहे हैं, इसलिए वो शादी को तोड़ने देगी। अनुपमा अपने पति के फ़ोन के कवर से फैमिली फ़ोटो निकालकर उसमें से अपनी तस्वीर फाड़कर अलग कर देगी। अनुज उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अनुपमा एक नहीं सुनेगी। वो कहेगी मैं आपको अपने और खुद से जुड़े हर रिश्ते से आज़ाद करती हूँ कापड़िया जी। जाते वक्त दोनों अपना अभी तक का रिश्ता याद करेंगे।